एक्सटर्नल कॉस्ट जो है गवर्नमेंट अप्रूवल लेती है, इसमें क्या गलत क्या है? एक 20,000-30,000 रुपए गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, ये 20,000-30,000 रुपए के लिए मीडिया को जा रहे हैं लोग पेपर के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, ये प्रेस मीट जो है हम लोग ने, चेयरमैन साहब ने इसलिए बुलाई है कि कुछ मेंबरान जो हैं हज कमेटी को, हज कमेटी के ऑफिसर्स को, चेयरमैन को गलत इंफॉर्मेशन देके बदनाम कर रहे हैं, वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए पेपर में डलवाना। ये बहुत ही मतलब मैं यहाँ पर 7 साल से ईओ का काम कर रहा हूं, अगर आप पीछे देखेंगे तो कोई ईओ दो महीने के ऊपर यहां नहीं काम किया, किसी को इंटरेस्ट नहीं था काम करने के लिए, ये अल्लाह का काम है। दो मेरा स्केल बहुत सीनियर है, फिर भी मैं एग्जीक्यूटिव का काम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम इसलिए कर रहा हूं कि हाजियों की खिदमत है, अल्लाह मेरे हाथ से खिदमत ले रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो है एक दो तीन मेंबर्स का जो है हमेशा पहले दिन से ही प्रॉब्लम रहा है, और इसके बारे में मैंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी किया है, कब, एक साल के पहले ही रिपोर्ट किया है। जो कमिटी में जो है मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब चेयरमैन मीटिंग बुलाते हैं तो मेंबर आके अपनी सलाह देके जाना है, बस इतना ही है। जो मेंबर्स हैं खुसरो कुरैशी साहब, चार पाशा, मोइनुद्दीन, ये हमको शुरू से हज कमेटी में काफी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं काम करने के लिए, और जो है हमारे सेक्रेटरी को पकड़ करके मणिवंदन साहब को दूसरे फाइल्स क्लियर करो, हम हज कमेटी को डेवलपमेंट करेंगे या हमारा मंगलूर में हज भवन का काम जल्दी चालू करेंगे, गुलबर्गे का करेंगे, इसके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है। उनकी तवज्जो ये है कि जो है चेयरमैन साहब कार कई को यूज करे, मीडिया वालों को क्यों पैसे दिए, ये उनके आरोप है। ये बड़ा जो है ये हज कमेटी को बदनाम करने के लिए और हमारे सरकार बसवराज बोमेर जी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये उनका रवैया चल रहा है। मैं सरकार से भी मैं लिखा हूँ लेटर में, उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। एक अप्लीकेशन लिख करके सेक्रेटरी को मेरे बारे में और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में कुछ उन्होंने नोटिस जारी की थी, नोटिस हमें भी मिली थी, हमने उनका यही इस मीटिंग में जवाब दिए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनको, फिर से जो है हमारे जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं जनाब मणिवंदन साहब, उनके पास जाके हमारे खुसरो खुरशी और उनके साथ और तीन मेंबर्स एक एप्लीकेशन दिए। उस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि 2022 का जो हज हुआ है उस हज कमेटी के चेयरमैन साहब और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब कुछ जो है मिसयूज फंड यूज किए हैं बोल के उन्होंने एप्लीकेशन दिए है। पहली तो बात ये बता दूं मैं, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के अंदर में मैं खुद एक फाइनेंस कमेटी बनाया था, क्योंकि बहुत कम वक्त में हमें काम करने का मौका मिला, कहीं पैसे में ऊंच ना नीच ना हो, तो उसके लिए एक फाइनेंस कमेटी बनाया था जिसमें हमारे चार मेंबर थे, जो खुसरो खुरैशी, चांदपा शाह, मोइनुद्दीन, कबीर साहब और हमारे नईमुद्दीन। वो लोग जो भी अकाउंट से कैंप के दरमियान में देखे और उस अकाउंट को उन्होंने अप्रूव किया और उसके बाद मुझे भी दिया गया, मैं भी उसका जो है तमाम हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह पेमेंट किए। तो वो उसके बाद मीटिंग भी हुई, तमाम डिटेल्स आए, जहाँ भी हमारे चांदपाशा साहब के कुछ आरोप थे जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन साहब ने जो दिए थे, हमने उनको दुकानों की जिम्मेदारी दी थी तो उन्होंने दुकानों का किराया ज्यादा लिया और आपको कम दिया, वो तमाम इंक्वायरी चल रही है अभी भी। चांदपाशा के बारे में काफी डिटेल हुई, फिर भी हम जो जो पेमेंट्स थे उस कमेटी के अंदर बैठ करके तमाम लोगों के पेमेंट्स हमने दिए हैं। दूसरा ये है कि हमारे जनाब खुसरो खुरैशी साहब और उनके साथ जो हमारे नई मोइनुद्दीन चांदपाशा जो मेंबर हैं, उन्होंने ये मुरे पे आरोप लगाते हैं कि चेयरमैन साहब जो है हज कैम्प के दरमियान में TADA और टैक्सी किराया, टोल का टैक्स वगैरह बोल के उन्होंने 3,69,600 अमाउंट फिगर दिए हैं, जो ये पेपर आपके किसी उर्दू पेपर में भी आया है और इंग्लिश पेपर में भी आया है। इंग्लिश पेपर में 1,69,000 डाले हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब ट्रैवलिंग के लिए अलाउंसेस लिए हैं, बल्कि इस पेपर में 1,69,000 आया है, और किसी उर्दू पेपर में, जो उर्दू पेपर में समझते सहारा होना चाहिए, इसमें उन्होंने भी 3,69,000 कुछ डाला है, तो काफ़ी अमाउंट का डिफरेंस पेपर वाले ने लिखे है। उनको खुद पता नहीं कि कौन कितना अमाउंट बोला है और क्या अमाउंट बताया है।
इंग्लिश पेपर में ये आता है 1,69,000। ये इंग्लिश पेपर कौन सा है देखिए, ये महेश्वर रेड्डी साहब का पेपर है, ये मिरर बैंगलोर। वो पेपर में लिखते हैं साहब 1,69,000 चेयरमैन साहब ट्रैवलिंग के लिए अलाउंसेस लिए हैं, जो उसके रिसिप्ट नहीं है। और इस उर्दू पेपर में आता है 3,69,000। ये कौन से साहब, क्या उनको पेपर वालों को बताए हैं कैसे इनको रिपोर्ट मिली है, वो उनको ही पता है। दूसरा 5,90,000 वो तो खैर मीडिया का है, आगे मैं बात करूं। तो ये जो है हमारे मेंबर्स लिखे हैं कि चेयरमैन साहब इस तरह से हमारे हज कमेटी से 1,69,000 उन्होंने लिए हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे दिया गया है फ्लाइट का टिकट, टैक्सी का, और जो टोल का, डीजल का, ये गवर्नमेंट से प्रोविजन है, वो मुझे दिया गया है और मैं वो लिया। जो हमारे जो हम लोग जोन वाइज जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था कर्नाटक स्टेट में, हम लोग हज कैंप के टाइम में बहुत शॉर्ट वक्त में हम बताए थे, तमाम मीडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा रही कि हम लोग बीजापुर में एक, मंगलूर में एक, बैंगलोर में एक, गुलबर्गा में एक, तमाम जगह जोन वाइज हम काम। तो उस जोन को हमने इन मेंबरों को जोड़ दिया था, जहाँ चांदपाशा, मोइनुद्दीन, नईमुद्दीन, खुसरो खुरैशी साहब को, तो पूरे प्रोग्राम में गए थे। तो ये प्रोग्राम ज्वाइन किए और मुझे भी, मैं भी बीजापुर गया, गुलबर्ग गया, ये तमाम चीज़ें जो मैं खर्च किया था 1,69,000 वो मुझे मिसयूज़ किए बोल के उन्होंने, हमारे खुसरो खुरैशी साहब उनके साथ मेंबर बोल रहे हैं। जबकि ये मालूम होना चाहिए मैं इसका खर्चा मैं तो लिया ही लिया हूँ, हमारे मेंबर्स को भी उतना ही देने लगा है सब, जिसमें पहला खर्चा हमारे जो नईमुद्दीन साहब को, मेरे से ज्यादा खर्च उनको दिया हूं TADA में, ये रिसिप्ट है आपको देता हूं, रिसिप्ट आप लीजिए। हमारे नईमुद्दीन साहब मेंबर है, इन्होंने भी ट्रैवलिंग किए, इनको भी पूरा हम घुमाए, जहां जहां जाना था कैंप में गए, 3,89,246 रुपीज मोहम्मद नईम को दिया हूँ। इन हमारे मेंबर रहने से जोन में, जैसा मैं हमने ए बीदर के ग्राम पंचायत मेंबर है औरत के, इनको हमने कैंप के दरमियान में इनको जो खर्च दिए हैं हम, हमारे हज कमेटी से 3,87,348 रुपीज इसके उचर्स है, इसकी रिसिप्ट है। दूसरा हम चांद पाशा को, ये जो हमारा जोन वाइज जो कैंप था, ट्रेनिंग कैंप, ये मैसूर में, बेंगलुरु में, टुमकुर में, सब जगह जोड़ दिए थे मेंबर्स को, उन मेंबर्स को नहीं साहब, ये लोग पूरे कैंप में गए, बीजापुर भी गए, हुबली भी गए, मैसूर भी गए, दावणगिरा भी गए, लास्ट में इन्हों मंगलुरु भी गए। तो इनको भी हम फ्लाइट का टिकट, मंगलुरु का, कार का खर्चा, होटल का खर्चा, खाना पीना, तमाम चीजें इन लोगों को भी हम जो है दिया गया है। तो मेरे से ज्यादा इन मेंबरों को दिया गया है, जैसा कि मेरे को 1,69,000 और किसी उर्दू पेपर में 3,00,000 जो बता रहे आपका आंकड़ा, वो आंकड़ा फेल है। जो मेरा आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 3,89,000 ये आपका उनका डेट वाइज उचर के साथ। उसके साथ चांदपाशा जी को 1,81,922 रुपीज, ये बेंगलुरु के हमारे चांदपाशा साहब मेंबर है, जो हमारे बारे में भी जो लिखे हैं, चांदपाशा साहब को दिए। उसके बाद मोइनुद्दीन को हम जो है उनको भी जो TADA का जो खर्च दिए हैं वो 1,93,550 मोइनुद्दीन साहब को, और खुसरो खुरैशी साहब को जो है 1,68,494 रुपीज। ये हर वक्त जब भी गए टाइमिंग के साथ कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवलिंग करे, उनको खर्चा पानी, उनकी गाड़ी का किराया, उनकी होटलिंग, उनका TADA, तमाम चीजें हम उनको प्रोविजन करवाए। जबकि चेयरमैन साहब 1,69,000 ये लिए बोल के जो उन्होंने हमारे पे जो आरोप लगाए, उनसे ज्यादा तो हम इनको दिए हैं, ठीक है। दूसरा और हमारे मेंबर साहब जो है ये बोलते हैं कि पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दिए हैं। ये पेपर का कितना डाले, 5,95,000 करेक्ट है, उन्होंने जो एप्लीकेशन दिए, ये 5,95,000 जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे हज कैंप के दरमियान में जो 15 दिन का हज कैंप चला और उससे पहले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला और उसके बाद जो हमारे लोग हज से आए वापस,
हम सभी मीडिया वालों को एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, उसके वोचर्स है, उसके बिल्स है, उसके बाद ही हम उनको प्रोविजन करके पेमेंट दिए हैं। मीडिया को नहीं देना चेयरमैन साहब बोले तो उन्होंने खुद मीडिया में आके पूरे टीवीओ में आगे ठहर के खुसरो खुरैशी साहब चश्मा लगा के उन्होंने जो है बड़े जो है बहुत जोर जोर से बोले। उनको ये मालूम नहीं था कि हर वक्त हज कैंप जब भी चलता, हमारे रोशन बेग साहब होते, जमीर खान साहब होते, तमाम मरगूब अहमद साहब, जब भी हज कैंप चलता है, हज कैंप के दरमियान में हम पेपर उर्दू खास तौर पे पेपरों को टीवी वालों को एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लोगों को जानकारी मिलती है कब फ्लाइट जाने वाले, कब आने वाले हैं, कौन सा प्रोग्राम हुआ, कौन उलमा इकराम आए, कितने लोग जा रहे हैं, ये तमाम हम मीडिया को जो पेपर का जो बिल दिए न्यूज पेपर का उसके वोचर्स है उसका बिल है ये बोलते हैं। ये भी जो है मिसयूज करे, इसका भी जो है उन्होंने हमारे पे गलत आरोप लगाए, जबकि उन्होंने खुद टीवी मीडिया में आगे ठहर ठहर के बात कर रहे थे। आपको वो मालूम नहीं था कि आप जो है टीवी वालों को मीडिया वालों को नहीं देना था, और उस कमेटी में वो साहब ही अप्रूव करें पेमेंट, जो फाइनेंस कमेटी बनाए, प्रोविजन नहीं है फाइनेंस कमेटी बनाने का, फिर भी हम लोग एक कमेटी रहने दीजिए, चार की निगरानी होती है, उनको जिम्मेदारी दी थी खुसरो खुरैशी साहब को। एक्सीडेंट करने के बाद वो FR किए वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को, वो नहीं मिला आदमी जो एक्सीडेंट किया था, नहीं मिला, वहाँ की पुलिस काफ़ी जो है उसको ढूंढ के निकाली, निकालने के बाद वहाँ पे पुलिस स्टेशन में FR कॉपी हुई, FR कॉपी होने के बाद हमें FR कॉपी दिया गया, हमने FR कॉपी लेकर के यहाँ बेंगलोर आए, और यहाँ पे जो हमारे EO साहब है और हमारे नोडल ऑफिसर है वो उसके इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने के लिए बोले। इंश्योरेंस कौन क्लेम करते हैं? अंडर सेक्रेटरी करते हैं, जो मायटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन्हीं की तरफ से हमको गाड़ी मिलती है। तो अंडर सेक्रेटरी साहब इंश्योरेंस क्लेम उन्होंने कर रहा था, हमने दो तीन बार फोन करके बोले ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, ये गाड़ी का FR कॉपी यहाँ पे है, FR कॉपी है। वो साहब जो है लेट कर रहे थे क्लेम, मैं बोला हूँ इंश्योरेंस वाले आने वाले हैं और जो है बहुत जल्द आपको क्लेम करके देंगे, बल्कि काफ़ी अंडर सेक्रेटरी साहब को हम लोग चार पाँच बार फ़ोन किए, उन्होंने नहीं किए। हालांकि मैं FR कॉपी आपको अभी इंक्लोज करके मैं देता हूँ, जो कार का एक्सीडेंट हुआ है उसकी मैं आपको FR कॉपी देता हूँ। वो जो है क्लेम करना था उन्होंने क्लेम नहीं कर रहे, और हमारा हज कैंप चालू हो रहा था। मैं हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और हमारे EO साहब को बोला कि भाई आप अर्जेंट गाड़ी को रिपेयर कराना, क्योंकि हमारा कैंप स्टार्ट हो रहा है, जो भी है इंश्योरेंस आगे करेंगे, अंडर सेक्रेटरी उसको लॉगिंग नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने लॉगिंग देना था इंश्योरेंस के लिए अंडर सेक्रेटरी, उन्होंने लॉगिंग, हम चार पांच बार फोन करे साहब अर्जेंट हमको लॉगिंग दीजिए, ये एक्सीडेंट हुआ सो FR कॉपी है और FR कॉपी के ऊपर ही आप इंश्योरेंस लॉगिंग करके थे, उन्होंने नहीं करने की वजह से देर हो रही थी। हमने प्राइवेट में उसको रिपेयर कराया, कराया किस वजह से कराया कि हमारे पास हज कैंप चल रहा था, हज कैंप के दरमियान में हमारे सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन आए और तमाम मेंबर्स और दूसरे लोग थे, काफ़ी हमारे को खुद बाहर टैक्सी गाड़ी लेना पड़ा, ये मेरी गाड़ी के साथ साथ हम टैक्सी गाड़ी लेके भी लोगों को सहूलतें दिए, उस वजह से हमने वो गाड़ी को रिपेयर करवाया है। और हमने इंश्योरेंस के लिए हमारे अंडर सेक्रेटरी को बार बार बोलते रहे कि आप इंश्योरेंस क्लेम करिए, उन्होंने नहीं दे करने की वजह से, देरी की वजह से वो जो है पेमेंट हम हज कमेटी से दिए, और उसी के बारे में हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझे लेटर दिए थे, नोटिस दिए थे कि चेयरमैन साहब इस तरह का क्लेम हो रहा है, आप ये क्या बोलते हैं। तो मैं वो और 1,38,000 का मैं चेक भी दिया हूँ। मुझे जो है हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुझे बोले थे कि चेयरमैन साहब हमारे को जो है मणिवंदन साहब इस तरह का नोटिस और हमारे खुसरो खुरैशी चांद पाशा मोइनुद्दीन नोटिस दिए हैं कि आपका जो भी इसके बारे में जो मुझे नोटिस इशू कराए मैं उसके बारे में तमाम रिप्लाई में गवर्नमेंट को लिख चुका हूँ, और आपको एक मैं नोटिस दे रहा हूँ कि जो कार के बारे में एक्सीडेंट हुआ है वो हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को एडिट को लिखे हैं, और इंश्योरेंस का वो जो भी प्रोविजन है हम लोग सेक्रेटरी को बता रहे हैं, आप बड़े मेहरबानी करके इसके बारे में रिप्लाई दीजिए बल्कि बोले। तो मैं रिप्लाई भी दिया हूँ और उसके साथ साथ चेक लिख के भी मैं उनको दे दिया, रिटर्न चेक भी मैं लिख के दिया हूँ, फोटोग्राफर साहब है आप फोटो लेना है, ये चेक भी मैं उनको दिया हूँ, जो हालांकि उसका रिप्लाई हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दे चुके हैं, तो कि क्या सच है क्या गलत है वो तो उन्होंने उसके बारे में तमाम चीज़ें बताए, और मुझे ये लेटर दिए थे कि आपके बारे में जो कार एक्सीडेंट हुआ है उसका जो है इंश्योरेंस जो है क्लेम करने के लिए प्रोसेस में है, आप इसका रिप्लाई दीजिए। मैं रिप्लाई भी दिया हूँ, उसके साथ साथ ये रिटर्न चेक भी लिख के दिया हूँ,
और आप एडिट करने के बाद अगर अमाउंट मेरा जो निकलता है आप वापस कीजिए, और क्या इसका प्रोसीजर है प्रोसीजर कंप्लीट करके दीजिए, क्योंकि पार्टी मुझे बनी है, पार्टी जब मुझे बनाई है तो पार्टी के सामने रखने का जरूर, मैं मंत्री के सामने रखा, और वो लोग क्या कर रहे हैं, खुसरो खुरैशी अपने अननोन नंबर से वो इंग्लिश में जो प्रेस में उर्दू में आया ना सबके मोबाइल में फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारा भगवंत खोवा मेरे को 10 मिनट हो गया मिलके केंद्र मंत्री, फिर मुझे व्हाट्सअप किया, बोला तू क्या व्हाट्सअप करा भाई अभी से, बोल के देखा तो बोला ये आया ऐसा ऐसा है बोल के बताया, फौरन तू बोल दे तू पार्टी में तू क्या है तेरा ये करने लगा बोल के बोले नहीं उन पेर कराए हैं मेरे को हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जी, और आने जाने के लिए जो उनका टीएडीए है हम लोग उनको देते हैं। इसके अलावा इनका कोई मतलब हज कमेटी में कोई रोल नहीं है, इस चीज की वो नोटिस करके जैसे कोई बड़ा करोड़ों के रुपए का घपला हुआ है इस तरह का गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर सही है तो एक पैसा भी हज कमेटी का उस हिसाब का ही है, मैं ये नहीं बोलता कि पांच रुपए हो 500 रुपए हो 5000 रुपए हो, इसका हर चीज का एक हिसाब होना चाहिए, लेकिन हर चीज का भी एक है। दूसरा ये जो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, आपको जैसे मालूम है कि ये बार हज होता नहीं होता हमको डाउट था, हर आदमी को भी डाउट था, तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना था। इसके लिए हर टाइम हम लोग क्या करते हैं 10-12-15 लाख रुपए भी हम लोग हज कमेटी से हर खर्च करते थे, तो ये बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है बुला के सबको 20-20 हजार रुपए का हम लोग दिए, तो उसको अगर आप ऑब्जेक्शन करें, और उस कमेटी में इस तरह सब लोग बैठ के डिसीजन लिए, उसमें जनाब खुसरो कुरैशी साहब, चांद पाशा साहब सब थे, अगर आप प्रेस मीट में देखेंगे तो सबसे पहले खुसरो कुरैशी साहब भी खड़े हैं, उसको फोटोग्राफ में आपको दिया हूं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ऐसा लगता है कि आप अननेसेसरीली हज कमेटी का नाम बदनाम करने के लिए आप ये साजिश किए हैं। मैं एक्शन लेता हूं उसके ऊपर, चेयरमैन साहब को नोटिस देता हूं कि आप ऐसा क्यों किया बोल के। एक इतवार के दिन दोपहर को फोन करते हैं, दोपहर को 3:30 बजे, संडे रहता तो जनरली हमें ऑफ मोबाइल ऑफ था, बहुत ही बद गाली देके ना युवक को कहां है उन्हें इस तरह की लफ्ज खुसरो खुरैशी किए हैं, तो मैं उनको पकड़ के बोला मैं तुम्हें बहुत गलत करी, तुम्हारे पर एक्शन लेना पड़ता मुझे, नहीं साहब माफ कर लियो, मैं ऐसा नहीं बोला। यहां ऑफिस को आते हैं तो बहुत ही गिरी हुई हरकत से बात करते हैं, और चेयरमैन साहब की भी रिकॉर्डिंग है जो उनके साथ उनकी गुफ्तगू अगर सुनेंगे तो आप कान बंद कर लेंगे। तो इस तरह की इनका रवैया रहा है, और हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। लास्ट मीटिंग में भी क्या हुआ, टेंडर के थ्रू हम लोगों ने वो एनुअल प्रोग्राम के, आप जानते हैं कि एकेएस वाले करीब 25 साल से फ्री करते आए हैं प्रोग्राम, इस बार वो बोले नहीं साहब हमारे हाथ से नहीं होता, हमारे पास बजट भी था, हमें टेंडर डाले, सब मेंबर्स हैं, तो टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद करे पेमेंट ये करके वो टेंडर करवाए, टेंडर करने के बाद सीएम का प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ, हुए के बाद अब उनको पेमेंट देना, हर आदमी को पेमेंट देने के लिए लोग रोक लेकर क्यों उनको बुलाना इनको डराना, अरे आप हमसे आपका आपका क्या सिर्फ चेयरमैन है यू हूं, अगर कुछ है तो गवर्नमेंट को मैं रिप्लाई करता हूं, हमें वो सभी गवर्नमेंट ऑर्डर को देते नहीं, तो हमें बोले सर इनको देना था तुम्हें, देख ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह की उन्होंने ये करके ये साजिश करके क्या किए, ये ले जाके गलत इंफॉर्मेशन जाके वहां जाके वो न्यूज पेपर को भी दे दिए, वो बहुत ही क्या कहते हैं वो 7 साल में यहां काम किया, और बीबीएमपी में हम लोग जब काम करते हैं करोड़ों रुपए का काम किया है, एक एलिगेशन विदाउट एलिगेशन हमने काम किया है, ये कुछ 50-60 हजार रुपए के लोगों को इस तरह की एलिगेशन करना रियली नामुमकिन, ये बहुत गलत है। तो मैंने उनको कल शोकेस नोटिस दी है मैंने खुसरो कुरैशी साहब को कि यू हैव अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर की तरह आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दिया है, मीडिया को दिया है, आपके खिलाफ हम क्यों कानूनी कार्रवाई, हज कमेटी का नाम खराब किया है, आपके खिलाफ हम क्यों कानूनी कार्रवाई हम नहीं ले सकते। और दूसरी बात हज कमेटी को आपको क्या बोलते हैं कि फाइनेंस कमेटी का अप्रूवल लेकर हम पेमेंट किए बोल के कितना 20,000-30,000 रुपए, तो फाइनेंस कमेटी कौन है, हु इज द फाइनेंस कमेटी, मीडिया का सब आप लोग ही डिसाइड करते हैं कि मीडिया को करना है। देखिए अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब यूट्यूब में डालते हैं जो भी करते हैं, तो ज्यादातर क्या है कि आजकल लोग न्यूज़पेपर टीवी से ज्यादा यूट्यूब में देखते हैं, जैसे कि मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे को, तो वो तरीका अभी चल रहा है। तो हम लोगों ने कम पैसों में किया तो उसके बारे में इन्होंने किया। दूसरी बात क्या है, चेयरमैन साहब लास्ट ये जो एक्सपेंडिचर जो हुआ था लास्ट हज कमेटी मीटिंग में अप्रूव किया, ये सब थे मेंबर्स उसमें अप्रूव किया, उसमें एक दो मेंबर्स ऑब्जेक्शन किए, तो मैंने कहा जो भी ऑब्जेक्शन है आपका दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिए। तो फिर
हज कमेटी की मीटिंग में जो अप्रूव हुआ, आप उसको कैसे उसको ये खारिज कर सकते हैं? आर यू अबोव द हज कमेटी? यू आर नॉट। तो गवर्नमेंट को मिसइंटरप्रिटेशन फैक्ट देके वो है ना, वो को है ना नोटिस दिलाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, नोटिस। हाँ, वो होके है। तो मैं वही बोलता हूँ कि जब हम लोग इसके बाद हम मतलब नोटिस मतलब वो रिप्लाई पूछे हैं, इसका एक एक्सप्लेनेशन पूछे हैं, एक्सप्लेनेशन उसका हम लोगों ने दिया है कि विद फैक्ट्स प्रोसीडिंग्स में हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड्स हैं सब कुछ विद रिकॉर्ड्स। तो इसमें सरासर मैं यही बोला हूं कि आप हज कमेटी का जो क्या कहते हैं नाम खराब करने के लिए आपने क्या है, इतने साल से अच्छा काम करते आए हैं, आप नाम खराब किए हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर को आप है ना क्या कहते हैं तंग करना, ये कानून जुर्म है, ये प्रिवेंशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, ये तो बहुत सीरियस ऑफेंस है, इसके लिए 15 दिन बेल नहीं मिलता इसको। मैं उसी में नोटिस दिया हूं और अगर ये नोटिस नहीं देंगे, क्योंकि तो ये मुझे पर्सनली ये लोग मेरे को है ना मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए आज चेयरमैन साहब मुझे बोले कि नहीं इसको हमको खुलासा करना ही पड़ेगा, इसको आप मैं प्रेस मीट बुलाता हूं बोल के, वरना मेरा राइटिंग में यही नोटिस काफी था मेरे लिए। तो बाकायदा करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक फॉल्स इंफॉर्मेशन देना ही बहुत गलत बात है ना। तो इसके अलावा हज कमेटी का आप जानते हैं कि मेंबर्स भी जैसे चेयरमैन साहब बता रहे थे, सारे मेंबर्स को जो है एलिजिबिलिटी ओनली फॉर मीटिंग्स है। इमरजेंसी जब हज कैंप जो हुआ शॉर्ट पीरियड में हुआ, तो क्या है हमको कैंप दूसरी दूसरी जगह, पहले क्या करते थे 2 या 3 एम्बार्केशन पॉइंट में करते थे, क्योंकि अभी बहुत एम्बार्केशन पॉइंट अब सिर्फ बेंगलोर में हुआ और सब लोगों को ट्रेनिंग करना था सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, तो हमने टीम्स बना के उनको हम लोगों ने जवाबदारी देके भेजे कि फिर TADA हम लोग देंगे। अगर TADA अगर है तो गवर्नमेंट अप्रूवल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई एक्सेस पेमेंट है तो चेयरमैन साहब जैसे कहा कि एक्सीडेंट जो हुआ था, मैं देने के लिए प्रोसीडिंग्स में आ गया है कि मैं उसकी चेक दे दूंगा, तो चेक भी दे दिया वो एक्सीडेंट का जो पर्सनल हज कमेटी का पैसा दिया है। इसके अलावा भी आप ये छोटे छोटे मैटर्स ले जाके गवर्नमेंट को, जब हम यहां पर बैठ के आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हर दिन, एक मेंबर मेरे को 3:30 बजे सुबह मैसेज करते हैं, ये क्या हुआ, चेयरमैन साहब कलकत्ता किसी मिनिस्टर के बेटी के प्रोग्राम शादी के प्रोग्राम में जाने वाले थे, तो हमारे नोडल ऑफिसर एक टूर प्रोग्राम इश्यू करे, टूर प्रोग्राम इज ओनली फॉर प्रोटोकॉल पर्पस, जैसे जाते हैं ये स्टेट चेयरमैन है तो प्रोटोकॉल पर्पस के लिए, हम लोग मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जब प्राइवेट विजिट को जाते हैं एक TA वो गलत है, वो बोल के उसमें नोटिस दिलाए फिर मेरे को। तो मैं बोलता हूं कि अगर टूर प्रोग्राम जो है नोडल ऑफिसर इश्यू किए हैं तो उसमें तो वो एक मेंबर मेरे को सुबह 3:30 बजे मैसेज करते हैं कि आपने ऐसा टूर प्रोग्राम नोडल ऑफिसर इश्यू किया है, ये सही है क्या? इतनी मैं पूछा कि इतनी अर्जेंट सुबह 3:30 बजे इंफॉर्मेशन लेने की ये बात क्या है एक टूर प्रोग्राम की? उन्होंने कहा कि पर्सनल प्रोग्राम में हम लोग जा रहे हैं और उसका पेमेंट पर्सनल पेमेंट मैं देने के लिए मैं दे रहा हूं, वो खुद की टिकट लेके गए हो, तो खाली प्रोटोकॉल पर्पस के लिए हम लोगों ने उधर लिखा, क्योंकि स्टेट चेयरमैन है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता वो होता, अगर कुछ नहीं तो भी पुलिस को लेके सपोर्ट लेके सिक्योरिटी की लेते, पर इसके पर्पस के लिए ही लेते हैं और कुछ नहीं है प्रोटोकॉल पर्पस। अगर वो भी गलत है उसके लिए भी हम आप जाके उधर नोटिस हमको दिलाते हैं रिप्रेजेंट करके फैक्ट्स, तो हम लोग कहां जा रहे हैं? जैसे आप बता रहे थे हज कमेटी में इतने साल से कभी भी मतलब ऐसा मसला ऐसा नहीं था, सिर्फ एक चंद मेंबरों की तरफ से ये परेशानी हो रही है। नहीं, 2 मेंबर्स के ऑलरेडी मैंने रिपोर्ट कर दिया है गवर्नमेंट को, किसका है, मोइनुद्दीन चांदपाशा का ऑलरेडी मैंने नोटिस कर दिया है और ये खुसरो खुरी साहब को दिया हूं मैं नोटिस। इनका जो बिहेवियर जो बदतमीजी से पेश आ रहे थे वो प्रोसीडिंग्स में भी मैंने रिकॉर्ड किया है, सारे मेंबर्स रिकॉर्ड किए हैं, वो मीटिंग में उठ के चिल्लाना करना छोटे छोटे चीजों के लिए है ना, 100% है, अंडर दैट सेक्शन ओनली आई हैव गिवन। सी, इफ यू बिहेव unbecoming of a Hajj committee member, then you are liable to be terminated. Government. So, ये हमने honorable minister की निगाह में भी मैंने personally मिलके लाया है, मैं secretary साहब से भी personally जब मिला उनसे कहा कि ये बेकार में आपको गुमराह कर रहे हैं, ये wrong information देके हम लोगों के खिलाफ ये कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या खुसरो खुरैशी साहब का मकसद है कि हज कमेटी को बदनाम करें। आप देखेंगे तो डायरेक्टली के मिसअप्रोप्रिएशन तो हेडलाइंस में देखा कि चेयरमैन एंड ईओ मिसअप्रोप्रिएशन बल्कि हेडलाइंस में आया है, कितने मेरे कोलीग्स जो है कोलीग ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि तुम्हें इतने 30 पर 2 साल मैंने कभी भी ये नोटिस नहीं लिया।
और हज कमेटी का काम विदाउट सिंगल रेम्युनरेशन काम कर रहा हूं मैं यहां, आई एम नॉट टेकन ए सिंगल पैसा फ्रॉम हज कमेटी। तब मेरे को आप सोचिए कि कितनी तकलीफ होगी कि हम लोग, हम अच्छे के लिए, मैं बुला के इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हूं कि आप सो दैट आप गलत इसमें ना जाए बल्कि कमेटी में। और मैं अगर आपको बताऊं तो वो जो हवाई जहाज जब गए तो वहां पर भी इतनी बदतमीजी से पेश आए उधर, मैं क्या बोलूं जो हाँ हाँ वो अगर वो अल्फाज जो बाइक लेके उधर जो चला हम, क्योंकि हज कमेटी का नाम खराब होता तब बोल के ऐसा पर्सनल झगड़ा लोगों के साथ, यही लोग फिर भी बोलता हूं चांद पाशा साहब जो हैं अगर बोलेंगे तो वो समझ जाते हैं, वो आते हैं साहब ये कैसा है ये कैसा है समझे। ये जो चला ये अजीम साहब को पता लगे, अजीम साहब भी आके इनको नोटिस दिए हैं माइनॉरिटी कमीशन से, वो भी नोटिस देखें पूछिए हमसे माइनॉरिटी कमीशन, और उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा कि आप मुझे भी एक ये नोटिस दीजिए, मैं भी कानूनी कार्रवाई करता हूं बोल के, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन का नाम बदनाम करना, ये कितने साल से बना हुआ इंस्टीट्यूशन है। और आप सोचिए कि लोगों में हमारे कौम के बारे में क्या मैसेज जाएगा इस चीज से।